शहर के वार्ड 43-49 में व्याप्त समस्याओं से अवगत होने दुर्ग महापौर ने वार्ड पार्षद व स्वास्थ्य प्रभारी के स्थल पर पहुंच साफ सफाई एवं नाला सफाई का लिया जायजा। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत बुधवार को दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने वार्ड 34 मुक्त नगर आदर्श नगर के नाला सफाई का जायजा लिया। साथ ही यहाँ गैंग लगाकर सफाई करवाने के निर्देश दिए। साथ ही आंगनबाड़ी के आसपास झाड़ियों को कटवाने एवं विशेष साफ सफाई के लिए सफाई दरोगा को निर्देशित किया और साथ ही सड़क पर पड़े मलबे को हटवाने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान पार्षद दीपक साहू ने बताया कि सहगल ऑटो के सामने सड़क पर पानी लीकेज है। इस दौरान वार्ड वासियों ने मौके पर उपस्थित होकर महापौर को सफाई के लिए वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए आदर्श नगर क्वार्टर नंबर 15 के मकान के पास में पाइपलाइन बिछाने के कार्य अधूरा किए जाना बताया, जिसके बाद महापौर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए छूटे हुए पाइपलाइन के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही वार्ड क्रमांक 49 विद्युत नगर पार्षद भास्कर कुंडले ने महापौर को बताया कि नाले के आगे में जलकुंभी को निरंतर सफाई करवाना पड़ेगा। उन्होंने द्विवेदी कॉम्प्लेक्स के सामने गार्डन में मुरुम डलवाने को कहा। इस संबंध में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व स्वास्थ्य प्रभारी हामिद खोकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज मेरे खुद के द्वारा और महापौर जी के द्वारा दो वार्डों में निरीक्षण किया गया है, स्वच्छताओं को लेकर और अन्य और कार्यों को लेकर, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 43 में के पार्षद दीपक साहू जी, वार्ड 49 के पार्षद हमारे भास्कर कुंडले जी के संयुक्त टीम में हम लोगों ने वार्ड का दौरा किया, साफ सफाई का जायजा लिया गया। कई जगह गंदगी पाई गई तो हमने जावेद अली जी को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द बढ़िया साफ सुथरा रखें। इसके अलावा वार्ड नंबर 43 में 32-33 जगह लाइट बंद है, उसकी सूचना मिली थी। तत्काल जो है हम लोगों ने थवानी जी को फोन टेलीफोनिक सूचना दी कि इसको तत्काल बेहतर किया जाए। यहाँ तक कि 2-3 जगह नल भी जो है टूटी हुई है, जो पाइपलाइन से पानी गिर रहा है, उसके लिए भी हम कंप्लेन की तत्काल में। तो इस तरह से जो भी समस्याएं आ रही वार्ड की, महापौर जी तत्काल जो है इसका निराकरण कर रहे हैं। और एक ये जो है हर वार्डों में अब ये जो है कारवा हमारे महापौर जी का प्रतिदिन जाएगा और जो भी समस्या है तत्काल उसका निराकरण किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हमारे शहर में स्वच्छ हो, शहर हमारा साफ सुथरा हो, लाइट जलते रहे, पानी उनी की समस्या ना रहे, इसके लिए हम लगातार दौरा कर रहे हैं। आज का हमारा पहला दिन है, दो वार्ड का दौरा किया है। देखिए, दौरा तो लगातार किया जाता है। अब आज के दौरे के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आज वार्ड नंबर 43 और वार्ड नंबर 49 हमारे MIC के साथी दीपक साहू जी और स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अमित खोकर जी, साथ में वहाँ पे पार्षद भास्कर कुंडले थे, स्वास्थ्य अधिकारी थे, इंजीनियर थे, कि वहाँ पे नाले नाली की सफाई को लेकर हम लोग लगातार दौरा करते आ रहे हैं। आकस्मिक आज इसलिए दौरा किया कि सफाई ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे वहाँ पे आके पता चला कि नाला में ठीक से सफाई नहीं हुई, जलकुंभी हारी वार्ड 49 में, तो उन विषयों को लेकर आज दौरा हुआ और तुरंत वहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सफाई में कोई भी कोताही ना बरती जाए, क्योंकि अभी हम लोग स्वच्छता को लेकर लगातार जागरूक हों और सफाई को लेकर कोई कोताही बर्दाश्त भी नहीं। निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल विकास कार्यों को लेकर काफी संजीदगी दिखा रहे हैं और धीरे धीरे दुर्ग नगर निगम क्षेत्र की तस्वीर बदलती जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।